जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, भारतीय रेल कुछ ट्रेनों को थोड़े समय के लिए बंद करने जा रहा है। इन ट्रेनों के बंद होने से लाखों रेल यात्रियों को जिस रूट पर ट्रेन बंद हो रही हैं उन रूट पर तकलीफ होगी। ये कौन कौन सी ट्रेन है, कब तक ये ट्रेन बंद रहेंगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जिन ट्रेनों को भारतीय रेल रद्द करने जा रहा है उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर मैं आपको फटाफट फटाफट बता देता हूँ। बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये ट्रेन नंबर रहेगा 12855। इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर रहेगा 12856। अगली ट्रेन है शिवनाथ एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर रहेगा 18239। इस ट्रेन को भी 25 जुलाई तक कैंसिल किया गया है। अगली ट्रेन है इतवारी रामटेक मेमू स्पेशल, ट्रेन नंबर रहेगा 08754। शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन नंबर रहेगा 18240। रामटेक इतवारी मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08755। इतवारी रामटेक मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08756। रामटेक इतवारी मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08751। बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08212। डोंगरगढ़ गोंडिया मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08711। गोंडिया से डोंगरगढ़ तक चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08712। गोंडिया से इतवारी तक चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08713। इतवारी से बालागढ़ तक चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08714। बालागढ़ से इतवारी तक चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08715। इतवारी से गोंडिया तक चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन नंबर रहेगा 08716। दोस्तों, इन सभी ट्रेनों को 25 जुलाई तक कैंसिल किया गया है। ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल नागपुर रेल मंडल में राजनंदगांव कलमना सेक्शन में थर्ड लाइन का जो काम है वो करने के लिए भारतीय रेलवे कुछ दिनों के लिए इन सभी ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आने वाले कुछ दिनों तक तकलीफ उठानी होगी। दरअसल ट्रेन 25 जुलाई तक कैंसिल रहेंगी। अगर आपने जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस है या फिर शिवनाथ एक्सप्रेस है, इन ट्रेनों में अगर आपने पहले से टिकट बुक करके रखे थे तो वो टोटल कैंसिल हो जाएंगे और फुल रिफंड आपको मिल जाएगा। फुल रिफंड कैंसिल ट्रेनों का कैसे मिल सकता है, अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।